नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का DRDO का एग्ज़ाम 6 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें एग्ज़ाम देते समय हमें क्या क्या चीज़ें ले जानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं ले जानी है और क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं, तो वो सारी चीज़ें एडमिट कार्ड में मेंशन है जो कि आप लोग ध्यान नहीं देते, उसी के लिए हमने एक सोचा कि एक वीडियो बना दें। तो आइए, हमारे सामने एक ठो एडमिट कार्ड खुला है किसी का, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है, उसको हम समझाते हैं कि ज़रूरी ज़रूरी पॉइंट क्या है, जो इसको ध्यान दे दीजिए सॉरी। चलिए, तो हम देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट देखते हैं कि हमारा पेपर है 4:30 से 4:30 से और 6 बजे ख़त्म हो रहा है, मतलब 90 मिनट का पेपर है। 90 मिनट का पेपर है मतलब 90 मिनट का पेपर है तो हमको कितना देर पहले उपस्थित होना है? देखो, यहाँ 3 बजे उपस्थित होना है, मतलब 1.5 घंटे पहले उपस्थित होना, और उसके बाद 1.5 घंटे पहले से हमारी एंट्री शुरू हो जाएगी। आगे हम देखते हैं कि उसके बाद कब तक एंट्री होगी, उसके बाद हम देख रहे हैं कि 4 बजे गेट बंद हो जाएगी, मतलब एग्ज़ाम से 30 मिनट पहले गेट बंद हो जाए, आपकी एंट्री नहीं होगी। ठीक, अब समझ गए कि हमको एग्ज़ाम के 1/2 घंटे तक पहले तक पहुंचना ही पहुंचना है, उसके पहले बायोमेट्रिक बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको उसको करवाने के लिए पहले पहुंचना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखिए, एक ठो हमको यहाँ रंगीन अपनी फ़ोटो करंट वाली चिपका लेनी है। ठीक, या जो इसमें लगाए हैं वही चिपका दीजिए। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या है, आगे देखेंगे हमारे एडमिट कार्ड में ये स्पेस छूटा है, ये क्यों छूटा है? ये आपको एग्ज़ाम देते समय उसी में आएगा, अंग्रेजी या हिंदी भाषा में अपने ही हैंड राइटिंग में इसको एडमिट कार्ड में फिल करना है, क्योंकि एडमिट कार्ड उस टाइम तक जमा हो जाएगा। ठीक, चलिए, और अगली बात क्या ध्यान देनी है, अगली बात ध्यान देनी कि हमको एग्ज़ाम देते समय जाना है तो उसके साथ क्या ले जाना है? वैध पहचान पत्र की मूल कापी, जैसा कि प्रवेश पत्र में मेंशन है, मतलब कहाँ मेंशन है, यहाँ देखो, यहाँ क्या मेंशन है, आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड ले जाना है। ठीक, उसके बाद उसके साथ एक रंगीन फ़ोटो ले जाना है। ठीक, एक चिपकाना है, एक ले जाना है। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि अगर आपके सिस्टम पे कभी कभी स्क्रीन पे फ़ोटो नहीं आती तो उसको उसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखवाते हैं और जिस पे फ़ोटो एक मेंशन करवाते हैं, इसलिए हमारे साथ एक चिपकाना है, एक रंगीन फ़ोटो ले जाना है। उसके अलावा आप ध्यान दीजिए मेरी बात, उसके अलावा हमको कुछ नहीं ले जाना है, हमको मेटल की कोई चीज़ नहीं पहनना है, हाथ में धागा नहीं होना चाहिए, कान में बाली नहीं होनी चाहिए, नाक में नथनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमें ना तो पेन ही ले जाना है, वहाँ पेन मिलेगी। ठीक, और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आगे चल देखते हैं कि कुछ लोग पूछ रहे थे भाई ये इसमें पेपर कैसा आएगा। इसमें पेपर आएगा बाई लैंग्वेज, जिसमें होगा कि हमारा दो भाषा है, यहाँ कहीं मेंशन होगा, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, ये लिखा है आपकी भाषा जो पेपर की भाषा होगा हिंदी और अंग्रेजी भाषा, दोनों साथ में लिखे होंगे। ठीक, तो उसकी कोई चिंता नहीं, मतलब स्क्रीन पे आपकी दोनों भाषाएं आएंगी, अगर हिंदी में नहीं समझ आए तो इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी देख लीजिए। ठीक, उसके बाद आप लोग आराम से पेपर दीजिए, अपना एडमिट कार्ड जमा करिए, साइन करना है जहाँ साइन करिए, उसके बाद पेपर देख के बाहर निकल ले आइए। और ध्यान दीजिए कि हमको 120 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, तो टाइमिंग का बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ होगा। ठीक, अब इसी के साथ धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को शेयर करिए जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।